हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ MI बैंड 3। और चलिए दोस्तों, इसकी क्विक लुक करते हैं जो कि MI बैंड 3 है। डिटेल्स इसके पीछे जो दी गई हुई है, बैटरी कैपेसिटी जो बीन है वो 110 mAh की है, और जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के, क्वाइट इतना लाइक बिग। और एंड्रॉयड और आपके मोबाइल के साथ ये कनेक्ट होती है और ब्लूटूथ के साथ भी। तो इसका फटाफट क्विक रिव्यू करते हैं। बॉक्स और प्राइस को देख के ही मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है 2000 का प्राइस है। और दोस्तों, इसकी बैटरी लाइफ है वो 21 डेज़ की कंपनी बोलती है, बट मैंने इसको चेक करा है आफ्टर 4 डेज़ ऑफ चेकिंग दिस वॉच। सो मैंने पाया है कि ये इट्स अबाउट टू बी वर्क अबाउट 15 टू 18 डेज। और चलो कोई नहीं, ये भी इतना अच्छा है। और मेनली इसमें फीचर आप बातें हैं फटाफट देखते हैं। ये आपको टाइम बताती है, डेट बताती है, दिन भी बताती है। और ये साइन होता है आपके, अगर मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है तो आपको ये साइन दिखाएगी। उसके बाद आते हैं हम इस पर, अगर नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे तो दूसरा फंक्शन स्टेप ट्रैकर है, डिस्टेंस मेज़र है, कैलोरीज बर्न है, और आपकी बैटरी है जो कि मैंने फुल चार्ज करी है अभी। ये हो गया इसका एक फंक्शन। और दूसरा फंक्शन के लिए आपको ऊपर से नीचे स्लाइड करना पड़ेगा, मोर में जाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन मोर का ये आता है स्टॉपवॉच। स्टार्ट कैसे करना है, प्रेस करिए, स्टार्ट हो गया, स्टॉप करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और दोबारा मेन मेन्यू पर आना है, दोबारा यही दबाइए। दूसरा फंक्शन है साइलेंट, फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं, अपने डिवाइस को इससे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन है, जैसे आप फ़ोन में वॉलपेपर सेट करते हैं वैसे ही आप इसमें इसका डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले है जिसमें स्टेप ट्रैकर है और नॉर्मल है, जिसे मैंने ये सेट किया हुआ है। और दोस्तों, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इसका ये बैंड है, काफ़ी अच्छा बैंड है और निकल भी अच्छे से जाती है। और ये है काफ़ी दिन, इसमें आप ऐसे निकालिए, चार्ज करिए, ये ऐसा नहीं है, 21 डेज़ की बैटरी लाइफ है इसकी और काफ़ी अच्छी चल जाती है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब आते हैं इसके हार्ट ट्रैकिंग पे, रेट पे। जो आप मेन चीज़ कंपनी दे रही है वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट मेज़र करने के लिए आपके हार्ट के पीछे से लाइट रेज करता है, जैसे कि आप डॉक्टर्स एक क्लिप यूज़ करते हैं आपके फिंगर में लगाते हैं, वैसे आप इससे कर सकते हार्ट ट्रैक। और कभी कभी ये काम करेगा, कभी कभी ये काम नहीं करेगा, तो इट्स ओके। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि अभी ये हार्ट रेट मेज़र कर रहा है और बीस हैव यू हैव टू बी स्टिल। और टच इसका काफ़ी अच्छा है, और अभी हार्ट मेज़र नहीं कर पाया है, शायद मे बी वॉच मूव हुआ होगा। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको चार्जिंग के लिए आप आते हैं इसके चार्जिंग पार्ट पे। इसको चार्ज करने के लिए इसके पीछे दो ये प्लग दिए गए हैं और इसमें भी दो बुट दिए गए हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल है, इस डाटा केबल को कनेक्ट करिए और उसके बाद इसको अडेप्टर में आपको लगाना है। तो आपको अडेप्टर में लगाने के लिए सिंपल है, अडेप्टर में डालिए और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा अडेप्टर के साथ। उसके बाद इसको, ये तो हो गया सिंपल सा आपका चार्जिंग के लिए। और मैं मानता हूँ ये बेटर है फास्ट ट्रैक से, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी हैं। फास्ट ट्रैक की वॉच काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, हाथ में थोड़ा लगता है, और ये छोटी दिखती हैं। और छोटी दिखने की वजह से ही ये मुझे अच्छी, आई थिंक अच्छी लगी है। और ये एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्रैक, ये काफ़ी इसका टच अच्छा है। वो टाइम टेकिंग वॉच है, थोड़ी बड़ी दिखती है। और उसका जो बैंड है, वो बैंड तो अच्छा है, और इसका रबड़ बैंड है वो काफ़ी, मतलब लाइक ये लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसको स्ट्रेचेबल मोड़ सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो ये टूटने वाला है इतनी जल्दी से नहीं है, ख़राब भी नहीं हो सकता। और आप इसके फीचर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छा काम करिए, हाथ पे भी सिमिलर अच्छी लग रही है, कलर अच्छा है, आप किसी भी ओकेशन में जा सकते हैं, लाइक पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया, और कोई सी भी जगह जा सकते हैं, टच अच्छा है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा, इसकी सेफ्टी के लिए आप इसमें एक इसका कवर आता है वो ज़रूर चलाइए। लेमिनेशन नहीं होगा इस पर, क्योंकि ये कर्व्ड है थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कर्व्ड है, तो उसकी वजह से आप इसको लेमिनेट नहीं कर पाओगे। पर इसका एक अलग से वो आता है, वो ज़रूर लगाए, क्योंकि इस पर स्क्रैच लगने के बाद आपको इसको क्लियर नहीं दिखेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और काफ़ी अच्छा बैंड है, ज़रूर लीजिएगा, और काफ़ी सस्ता है और लॉन्ग लास्टिंग है, मैं तो ये मानता हूँ। अब वो घड़ियों का ज़माना नहीं रहा जिसमें आप डेट टाइम देख पा रहे हैं, अब बस ये डिजिटल हो जाइए और इम्प्रेस अदर्स विद दिस काइंड ऑफ वॉच। थैंक यू दोस्तों, थम्स अप।